हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग अभी तक अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख गए हैं, जो कि सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो निकालना सीख गए हैं, और इसमें कुछ चीज़ें देखे हैं, जैसे कैनोनिकल फॉर्म और एकेलॉन फॉर्म। तो इसमें जो एकेलॉन फॉर्म है, जो आपका जो सोपानक रूप है, अव्यूह का जो सोपानक रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे हमारे काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो और एकेलन फॉर्म से हमने क्या निकाला, हमने निकाला रैंक भी निकालना कि कैसे हम रैंक निकाल लेंगे। तो एकेलन फॉर्म में जो अशून्य पंक्तियों की संख्या होती है, उसी के बराबर हमारा रैंक होता है, यानी कोटि होता है। ठीक है, किसी अव्यूह का। अब हमको क्या देखना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हालांकि आपको यहाँ पे तीन ही वेरिएबल आपके डिप्लोमा में देखने को मिलता है, तीन वेरिएबल का मतलब तीन अक्षर होंगे, लेकिन एक्चुअली में आपके तीन से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, इसीलिए तो ये बनाया गया है। अदरवाइज अगर आपके पास तीन वेरिएबल है तो करना आसान है, आप जो है एलिमिनेशन करके ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन तीन से ज्यादा होने पर आप जो है ये मेथड्स लगाते हैं, जो अभी हम मेथड बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो इस लेक्चर में जिस मेथड की बात करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि कहीं आपके डिप्लोमा किताब में नहीं लिखा है, लेकिन उसका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए ठीक है, वो तब वहां तक तो सही है, लेकिन हमको ये मेथड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप सवाल भले ही लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल, तो आपसे ये बोला जाएगा कि अव्यूह का ही इस्तेमाल करिए, तो आपको आपकी डिप्लोमा किताब में लिखेगा कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इक्वेशंस को हल करिए। ठीक है, लेकिन होता है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरणों का निकाय की बात करते हैं। तो किन्हें कहेंगे, रैखिक समीकरणों का निकाय। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मतलब क्या है, जैसे हमने एक इक्वेशन लिखा, मान लीजिए ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस ए वन थ्री एक्स थ्री प्लस डॉट 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 ए वन एन एक्स एन। ठीक है, बराबर बी वन। ठीक है, बी वन वन भी लिख सकते हैं, बी वन ही हम लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और इक्वेशन लिखते हैं, ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस ए टू थ्री ए टू एन एक्स एन ए बी टू। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं सभी हर एक इक्वेशन में कितने अचर हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और कितना एक्स एन। तो अननोन्स, इनको बोला जाता है अननोन्स, कितने हैं एन, इनको हिंदी में बोलते हैं अज्ञात, अज्ञात राशियां, यानी अचर राशियां जो ज्ञात नहीं है। ठीक है, फिर इसको हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, इन इक्वेशंस इन चीजों को बढ़ाएंगे और हमारा क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, मान लेते हैं कि टोटल एम इक्वेशंस है, और यहां पे हमने लिखा ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री लास्ट में ए एम एन एक्स एन इज इक्वल टू, मान लीजिए बी एन है लास्ट में। तो क्या देख रहे हैं को हमको मिल रहा है, सॉरी बी एन कैसे हो सकता, बी एम होगा, क्योंकि हमने कितने कितने लिए हैं, एक जो है इधर से देखा जाए तो इक्वेशन एम इक्वेशन, तो ये क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं हम क्या है कि अननोन्स अज्ञात एन है, और नंबर ऑफ यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने लिए हमने, नंबर ऑफ इक्वेशंस यानी कि समीकरणों की संख्या कितनी है, एम। देखिए, एक समीकरण दो समीकरण ऐसे बढ़ते बढ़ते एम समीकरण, क्योंकि हमने शुरू किया क्या, एक दो, यहाँ पे क्या लिया है एम, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा, वन टू थ्री एन तक। ठीक है, तो इस तरह से, और ये क्या है, ये सभी ए के साथ जो जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ए के साथ जो भी, मतलब ए ए जो भी लिखा हुआ है, ये सभी क्या है, गुणांक है, ये अचर, ये क्या है, गुणांक है। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग फाइव या टेन, कुछ ऐसा है ना।
ऐसे हो सकता है, तो ऐसे एक इक्वेशन, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे यहाँ पे बस तीन ही वेरिएबल लिए हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इनको बोला जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनको बोला जाता है समीकरणों का, रैखिक समीकरणों का निकाय। लीनियर क्यों? क्योंकि सब अचर पदों पर जो, सॉरी, सब चर पदों पर जो घात है वो एक है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा होता तो लीनियर इक्वेशन नहीं कहते। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, आव्यूह रूप में लिख सकते हैं, आव्यूह रूप में लिख सकते हैं। जैसे A11 पहला लिखिए, A12 और फाइनली A1 है, ठीक है, A21, A22, इसी तरह से AM1, AM2, AMN, ये सभी क्या है, गुणांक हो गए इसमें, और इसमें क्या हो गए, अचर हो गए, X1, X2 और यहाँ पे XN, और यहाँ पे जो आपका वो है वो लिखा जा सकता है B1, B2, BN, BM, सॉरी, ठीक है। तो आपको पता है ना इसमें कैसे रो से एक बार कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो जब आप इसको गुणा कराएंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, ये ऊपर वाला इक्वेशन मिल जाएगा, आप एक बार सोच के देखिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, जहां पे ये इसको लिखते हैं जो गुणांकों का भी होता है उसको ए से, और जो आपका वेरिएबल वाला होता है एक्स, और जो आपका इक्वल टू वाला होता है बी, यानी एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां एक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और ए क्या है, सभी गुणांकों का है, और बी क्या है आपका, यहाँ पे जो इक्वल के बाद है, मतलब इक्वल के बाद जो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप इसमें इसका गुणा करेंगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, m by 1 का, क्योंकि उसमें एक ही कॉलम मिलेगा, ठीक है, इसीलिए इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहां पे ए में क्या लेंगे, सभी गुणांक लेंगे, एक्स में क्या लेंगे, ऐसे एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड ऐसे कॉलम फॉर्म में, और इक्वल टू वाले जो नंबर है यहां पे ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब होता क्या है, यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कम से कम एक हल हो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहे जाते हैं, तो ध्यान देंगे कि अगर आपके कम से कम एक हल हो, अगर यदि सभी लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम का कम से कम एक हल हो, हल का मतलब क्या कि जितने अज्ञात हैं उन सभी के मान लीजिए कंबाइंड करके और रखिए, और समीकरण को, सभी समीकरणों को क्या करने चाहिए, संतुष्ट करने चाहिए, सभी समीकरणों को क्या करने चाहिए, संतुष्ट करने चाहिए। तो कह रहा है यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कम से कम एक हल हो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत, हिंदी में बोला जाएगा संगत, समझिएगा बात को। यानी कि एक कम से कम हल हो, एक हल होता है तो उसको बोलते हैं अद्विती हल, और ये अनंत हल होने पर बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी अनंत हल। एक हल हो तो अद्विती, और एक से ज्यादा हो तो उसमें अनंत हल ही होंगे, यानी दो तरह से हल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कम से कम एक क्यों लिखे हैं, क्योंकि हल हो सकता है, जो आपका हल हो सकता है, हल का मतलब समझ रहे हैं ना, सॉल्यूशन जो हो सकता है वो कम से कम एक या एक से अधिक भी हो सकता है। तो एक जब केवल और केवल एक हुआ अगर हल, तो उसको बोलते हैं अद्वितीय हल, मतलब उसके अलावा और पा भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन आएगा, अभी हम आगे देखेंगे, यही तो हमको फाइंड आउट करना है कब ऐसा होता है, और एक कंडीशन आएगा कि आपको अनंत हल मिलेंगे, मतलब बहुत सारे हल मिलेंगे, तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है, और एक अद्वितीय हल कहलाए तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है। और अगर कोई भी हल ना मिले, ऐसा भी कंडीशन आएगा जब कोई हल नहीं मिलेगा, तो अगर कोई भी हल ना मिले तो हम बोलते हैं सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, यानी असंगत है, ठीक है। तो बोलेंगे यदि सिस्टम ऑफ
इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी हल न हो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, असंगत, क्या कहा जाता है? असंगत कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा है कि मतलब आपके सिलेबस में दिया है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से क्या मतलब है। अब हम उदाहरण लेके बताते हैं कब संगत होगा कब असंगत होगा। उसमें भी संगत में क्या होगा, आपका एक यूनिक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा, या फिर अनंत हल होंगे, या फिर जो है जो असंगत होगा उसमें कोई भी हल नहीं होंगे। तो ये कब होता है? ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। तो उदाहरण लेते हैं और उदाहरण लेके एग्जाम्पल से ही नहीं समझ पाएंगे, मतलब हम उसका कंडीशन बता सकते हैं, लेकिन हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल को हल करते हैं और गॉस एलिमिनेशन मेथड से। अब जब हल करने के बाद लास्ट में आएगा तो आपको बताएंगे कैसे बोला जाता है इसी कंडीशन में, यानी ये कंडीशन होता है तो बोला जाता है कि इसका हल अद्वितीय होगा। ठीक है, तो पहले अद्वितीय हल वाला देखते हैं। तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं आपसे, आपके बुक से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि का मतलब इसमें कि ऐसे होगा कि समीकरण 2x + 2y + 5z = 11 और फिर x - 4y + 6z = 4 और फिर क्या है 3x + 11y + 13z = 0 सॉरी 13। ठीक है, संगत हैं तथा इनके हल भी ज्ञात कीजिए। तो सिद्ध करना है कि ये समीकरण संगत हैं, ये तीनों समीकरण इनका हल संगत, ये मतलब समीकरण ही संगत कहलाएंगे, तो वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और दूसरा चीज कहना बताना है कि इनके हल भी निकालना है, यानी जो हल मतलब x, y और z के जो मान आएंगे जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे उनको भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को क्या आव्यूह रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप इक्वेशन चाहे तो बना सकते हैं x + 2y + 5z = 11 और x - 4y + 6z = 4। चलिए हम लिखते नहीं है, ठीक है, उतना करने की क्या जरूरत है। सीधे हम क्या करते हैं, तो इन सब इसको लिख सकते हैं ax = b के फॉर्म में, ax = b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इन समीकरणों को। तो लिखते हैं, तो a में क्या आएंगे, जितने भी गुणांक है, तो पहले समीकरण का 2, 2, 5 हमने लिया, 2, 2, 5। दूसरे समीकरण का क्या है, 1 - 4, 1 - 4, 6। ठीक है, तीसरे समीकरण का हमने क्या लिया, तीसरे समीकरण का लिया हमने 3, 11, 13। ठीक है, तीसरे समीकरण का लिया हमने 3, 11, 13 और फिर इधर जो है x हो गया, x में क्या है x, y और z, तीन है
यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री भी लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ इक्वेशन में दिया जा सकता था। यहाँ पे है 11, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना है 30, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आव्यूह को एकलन फॉर्म में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस आव्यूह को हम क्या करेंगे, एकलन फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये नहीं करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं आर्गुमेंटेड। आप लोग नाम सुने होंगे, शायद नए नाम सुने होंगे, तो सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है संवर्धित, संवर्धित आव्यूह। संवर्धित आव्यूह का मतलब होता है किसी आव्यूह में जब एक्स्ट्रा कॉलम या एक्स्ट्रा रो जोड़ दिया जाए, एक या एक से अधिक भी हो सकता है, तो जो बना हुआ आव्यूह होता है उसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हम क्या लिख रहे हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बाई बी, क्या हमने ए बाई बी, सॉरी ऐसे नहीं, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए बाई ए बी, ठीक है। यानी ए में क्या कर रहे हैं, बी को जोड़ दे रहे हैं, ये जो ए है और ये बी है उसी को जोड़ दे रहे हैं। तो ए हमारा क्या है, 2, 2, 5, और जोड़ते कैसे हैं देखिएगा ध्यान से, 1 - 4 और 6, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3, 11 और 13, ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये 11, 4 और 30। यानी कि क्या करेंगे, ऐसे लाइन से सेपरेट करते हैं उसको, ठीक है, आर्गुमेंटेड को ऐसे लाइन बना देंगे और इसको बाद में लिख देंगे जैसे यहाँ पे लाइन बनाया हमने। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एकलन फॉर्म में परिवर्तित करेंगे, इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को क्या करेंगे, एकलन फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए एकलन फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए इसको हम क्या कर दे, ऊपर भेज दे पहले, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, जो जो भी चीज होता है ऐसे होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेंजेस क्या ला रहे हैं, R1 इंटरचेंजेज इंटू R2, ठीक है। तो जैसे R1 इंटरचेंजेज इंटू R2 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 4 और 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 और 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3, 11 और 13, ठीक है। और साथ में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी, तो आर्गुमेंटेड वाला जो पोर्शन है, तो और 4 भी क्या चला जाएगा ऊपर और 11 क्या आ जाएगा नीचे, ये भी होगा, इस पर भी ऑपरेशन होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एकलन फॉर्म में बनाएंगे। तो एकलन फॉर्म में कैसे बनाते हैं देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको बताए भी थे, इसको और इसको जीरो बनाइए पहले रो की सहायता से। तो R2 changes into क्या हो जाता है, R2 - 2R1, है ना, एंड R3 को भी चेंज कर लेंगे, R3 changes into R3 - 3R1, ठीक है। तो R1 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हमारा वही इक्वलेंट मैट्रिक्स भी ही रहेगा, मतलब वो तो रहता ही है, कुछ भी चेंज लाइए ऐसे इक्वलेंट में ही लिखते हैं, हमको पता है 1 - 4 और 6, और ये हो गया 4 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हुआ 0 क्योंकि 2 का गुणा किया है तो 0, यहाँ पे 2 का गुणा किया -8, और 2 में से घटाएंगे मतलब 2 - -8 तो प्लस हो जाएगा, तो 8 × 2 = 10 हो जाएगा, है ना, 10 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 5 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -7, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो 3, 3, 0 हो गया, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे -12, 11 में से -12 घटाइए 23 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 11 - 12 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 18 होगा, ठीक है, 3 का गुणा करना 18 होगा, 13 में से 18 घटाएंगे माइनस में कितना आएगा, -5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 4 × 3 = 12, 30 में से 12 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, अब देखिए ध्यान से, अब इसको जीरो बनाते हैं, क्योंकि एकलन फॉर्म में क्या होना चाहिए, ये जीरो तो हो गया, अब इसके नीचे का जीरो होना चाहिए,
ठीक है, और अगर ये भी जीरो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके नीचे का भी जीरो बनाते हैं। चलिए अब इसको जीरो बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 23 लाना है, तो क्या करना होगा हमको, 23 बटे समथिंग करना होगा। ठीक है, लग रहा है इसका जो है सॉल्यूशन बड़ा ही बड़ा टाइप का आने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, उतना ही आने वाला है वैसा ही। तो आंसर थोड़ा खतरनाक टाइप का आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब क्या कर लेते हैं, तो इसमें गुणा कराते हैं। ठीक है, किस चीज का गुणा कराएंगे, तो मतलब इसको जीरो करना है तो हम क्या करें, 1 माइनस 4 6। ठीक है, और इसमें किस चीज का गुणा कराएं, 23 बटे 10 का, है ना, 23 बटे 10 का गुणा कराएं तो घटाएं तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, चलिए यहाँ पे लिख देंगे जो भी कर रहे हैं, तो 0 10 ये नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 और 3 ये चेंज नहीं हो रहा है, बस लास्ट वाला चेंज हो रहा है। तो लास्ट वाला चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये जीरो हो जा रहा है। कैसे जीरो हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि R3 चेंजेज इंटू हम कर रहे हैं R3 माइनस 23 बटे 10 R2। ठीक है, तो 23 बटे 10 R2 कर रहे हैं, तो 23 बटे 10 का यहाँ गुणा करेंगे तो 23 सते कितना हो जाएगा, कर लीजिए क्योंकि तो करना ही पड़ेगा भाई, तो 23 × 7 / 10 ये हो जाएगा माइनस में, पहले से तो प्लस हो जाएगा, और -5 में से घटाना है। ठीक है, ये पूरा कर लेते हैं साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -50 और प्लस कितना होगा, 7 × 21, 7 × 21 7 × 14 14 × 16 / 10, यानी कितना हो गया, 50 घट गया तो -111/10। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा, तो 111/10। ठीक है, इसमें से इसको ऐसे ही घटाना है तो 23 बटे 10 का यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 3 × 6 69/10, और इसको घटाना किस में से, 18 में से, 180 − 69/10, तो 180 में से 69 घटाएंगे तो कितना होगा, 69 × 70 और 70 × 10 = 80 यानी 11। ठीक है, 11 और जोड़ेंगे तो 111, ये भी 111, हाँ 111 ये भी आ रहा है। ठीक है, सही है हम लोगों का। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये सब तो हो गया। ठीक है, R3 चेंजेज इनटू, अब ये एकलन फॉर्म में परिवर्तित हो गया। अब जैसे ही ये कलन फॉर्म में परिवर्तित हो गया, अब हम क्या करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो क्या आ रहा था, यहाँ पे x1 x1 था कि नहीं, यहाँ पे क्या था, x2 x2 x2, यहाँ पे क्या था, x3 x3 x3, यानी कि वापस से अगर देखें हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो देखते यही है कि जब वापस से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर क्या मिल रहा है, बस यहां पे x1 x2 दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। x3 = हमको मिला, सॉरी x3 = नहीं, इतना इंटू x3 ना, 110 111/10 x3 एक सेकेंड, तो हम क्या रहे हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स नहीं मतलब जेड, हम एक्स थ्री ले रहे थे लेकिन यहाँ पे जेड है, 111/10। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, जेड का मान मिल गया, यहाँ से z = मिल गया 1, जेड का मान क्या मिल गया, 1। ठीक है, अब उसके बाद इसमें करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10y − 7z, 10y − 7z = क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है।
है ना। इसका इक्वेशन देखिए यहाँ पे वही चीज है जो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए वही चीजें सारी चीजें बन रही है, मतलब ये है क्या, ये है क्या, उस वही तो है ये। इस रो को हम क्या किससे दिखा रहे हैं, अगर आप गुणा करेंगे एक्स इजिक्वल टू बी का तो आपको मिलेगा क्या, यही तो मिलेगा, ठीक है। तो हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ये जो समीकरण है पहले आप लिख लीजिए समीकरण एक दो तीन, और समीकरण बोल लीजिए कि समीकरण एक दो तीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर इनको संबंध संवर्धित फॉर्म बनाते हैं, संवर्धित रूप में करके इसका जो है सोल्यूशन करते हैं, और सोल्यूशन करने के बाद हमको मिल गया एकलन फॉर्म। और जैसे ही एकलन फॉर्म में बदल गया हमारे लिए काम आसान बन गया, ठीक है। क्योंकि क्या होंगे, बहुत सारे वेरिएबल जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वाई एक्स और वाई दोनों जीरो हो गए, केवल जेड बचा, तो जेड का मान हमको मिल गया एक, ठीक है। और उसके बाद मिल रहा है 10y माइनस 7z इक्वल टू 3, यानी यहां से हमको क्या मिल गया 10y इक्वल टू, यहां पे z का मान रख देंगे एक, तो 7 3 10 हो जाएगा, तो फिर y का मान भी क्या मिल गया 1 मिल गया, ठीक है। y का मान भी क्या मिल गया 1 मिल गया। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से z का मान एक मिल गया, y का मान एक मिल गया, फिर क्या कर दीजिए इसमें रख दीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है x माइनस 4y और प्लस 6z इज इक्वल टू 4 मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसको रखिए। तो x का मान भी एक रखना है, y का मान भी एक रखना, सॉरी z का मान एक, y का मान एक, तो क्या हो गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, और ये कितना हो गया उधर गया तो प्लस 4, और उधर गया तो ये माइनस 6, तो 4 4 8 में से 6 घट गया, कितना हो गया 2। तो यहां से हमको क्या मिल गया, यानी यहाँ पे हम ऐसे बोल दें x बराबर हमको मिल गया 2, तो x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 1। तो यहां से बताइए एक ही हल मिला कि नहीं, एक ही हल मिला कि x बराबर 2 है हमारा, ठीक है, y बराबर 1 है और z बराबर 1 है, यानी समीकरण के क्या हुए, अतः निकाय कंसिस्टेंट है, तथा हल अद्वितीय है। लेकिन क्या हमको यहां तक जाना होगा कंसिस्टेंट बताने के लिए, क्या हमको यहां तक जाना होगा कंसिस्टेंट यानी संगत बताने के लिए, नहीं, ठीक है। अब आते हैं ऊपर, ये आपने हल कर लिया ना, यानी संगत होगा। देखिए आपको एक पहले कॉमन सेंस बताते हैं, कॉमन सेंस से देखिए, अगर ये वाला कुछ बराबर कुछ आ जा रहा है, इसका मतलब z का मान आपको कुछ मिलेगा। और सोचिए अगर ये बराबर यहां पे आ गया जीरो और यहां पे आ गया जीरो, इसका मतलब z है ही नहीं, इसमें z है ही नहीं, क्योंकि z जो भी आया x y z तीनों का जो मान आया वो जीरो आ गया। तो यहां पे क्या हो जाता है, z जो हो जाता है वो फ्री वेरिएबल हो जाता है। क्या हो जाता है, z फ्री वेरिएबल। तो वहां पे z का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बात उसकी नहीं है, बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से हम कंक्लूड क्या करेंगे, यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे हम देखने को, हमको देखने को क्या मिल रहा है, यहां पे देखिए कोने में लिख रहे हैं, यहां पे देखिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, रैंक ऑफ ए 1 2 3, तीन अशून्य पंक्तियां हैं, 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें तो उसका रैंक कितना है, उसका भी कितना है, 3 ही है। रैंक आप a बाई बी देखें तो वो भी क्या है, 3 ही है। और इसमें देखें और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, मतलब अज्ञात राशियां कितनी हैं, वो भी यहां पे 3 है, वो भी कितने हैं, 3 है, एक्स वाई जेड 3 ही अज्ञात राशियां है ना। तो अगर आपका रैंक ऑफ ए मतलब एक ए का रैंक और पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है, ए का रैंक और पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए पूरा जब आप व्यू देखेंगे तो इसमें भी कितनी है, एक तो एकलन फॉर्म में है, एकलन फॉर्म में बिल्कुल है ये है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं ये भी जीरो होना चाहिए, चाहे ये भी आप चाहे तो इसको जीरो बना सकते हैं, जीरो चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
अब देखिए तो इसमें कितने, इसमें भी तीन अशून्य पंक्तियां हैं, केवल इसको अगर भूल जाइए, इस चीज को भूल जाइए तो केवल ये इतना जो है क्या कहलाएगा, ए, तो इसका भी रैंक तीन है। और जब पूरा कंसीडर करेंगे तो कितने अशून्य पंक्तियां, एक दो तीन, तब भी तीन ही है, ठीक है। यानी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी और ए मैट्रिक्स, दोनों का रैंक बराबर आया। और नंबर ऑफ अननोन्स, जो अज्ञात राशियां थी वो भी कितनी थी, उसी के बराबर आई, रैंक के बराबर। तो इस कंडीशन को, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कहते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा एक्स वाई जेड का, एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा और कॉम्बिनेशन एक्स वाई जेड का आप नहीं बना निकाल सकते, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया। तो बोलते हैं यहां पे हैं फाइनली लास्ट में नोट यदि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स बराबर एन, ठीक है, जहां पे ये क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स, तब संघ निकाय यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तब सिस्टम निकाय होता है सिस्टम का ही हिंदी, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन संगत यानी कि कंसिस्टेंट होगा तथा निकाय के यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन निकाय का, ठीक है, बार बार मैं लिख रहा हूं के नहीं होगा का, क्योंकि निकाय एक वचन हो जाता है, निकाय का अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम अगले क्लास में अपने एग्जाम्पल से एग्जाम्पल लेके फिर से ऐसे ही बताएंगे कि क्या होता है। आपको बता दे रहे हैं, यहां पे लिखना नहीं है, आप अभी मत लिखिएगा, लेकिन अगर आपको चेक करना अपने किताब से कोई सवाल, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि रो रैंक ऑफ ए और अगर रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बराबर मिल गया, और लेकिन ये क्या है, लेस देन एन यानी कि नंबर ऑफ अननोन से कम है, दोनों का रैंक तो बराबर है लेकिन जो उसमें अज्ञात राशियां उससे कम है रैंक, तो इसका मतलब हो गया तब वहां पे अनंत हल होंगे, कंसिस्टेंट भी होगा और हल अनंत होंगे, ठीक है। तीन ही कंडीशन होता है, एक अद्वितीय हल, एक अनंत हल और तीसरा होता है एक कोई हल नहीं, ठीक है। और अगर आपको मिला, ठीक है, ये क्या हो गया अनंत हल वाला, लेकिन अब अनंत हल का आप निकालेंगे कैसे, तो अनंत हल में अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सुन के तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम बताएंगे ही कि आप क्या कर लेंगे, जो आपका जो जिसमें कोई पिवट नहीं होता है वही आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता फ्री वेरिएबल। जैसे आप देखेंगे ना, पिवट का मतलब क्या होता है, पिवट का मतलब किसी भी कॉलम वाइज देखते हैं, पिवट का मतलब आपको बताए थे पिछला क्लास देखिएगा, तो जिस कॉलम में कोई पिवट नहीं होता है, जैसे क्या होगा इसमें जो होगा जनरली वही होता है कि तीसरे कॉलम में पिवट नहीं होगा आपके इस सवाल में, लेकिन ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें पहला ही कॉलम या दूसरे ही कॉलम में पिवट ना हो, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उन सभी को फ्री वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहां पे बस एक ही फ्री वेरिएबल हो सकता है आपके केस में, अगर आपका चार वेरिएबल होते ना तो उसमें दो भी हो सकते हैं फ्री वेरिएबल, ये ध्यान दीजिएगा। तो फ्री वेरिएबल को क्या मान लेंगे, कोई कॉन्स्टेंट के की तरह मान लेंगे,
तो जैसे यहां पे जेड अगर मिल जाएगा फ्री वेरिएबल, तो जेड बराबर के मान लेंगे, ऐसे क्या मान लेंगे जेड बराबर के, ये फ्री वेरिएबल है, मुक्त है, यानी जेड का मान कुछ भी आप ले सकते हैं, और जेड का मान कुछ भी लेके बाकी को निकाल लीजिए एक्स वाई जेड जैसे आप बैक सब्स्टिट्यूशन से करते थे, और पूरा आपका सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बचता है आपका, इसके बाद आता है कि जब आपका ये दोनों बराबर ही ना हो तो आपके क्या होंगे, कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी हल नहीं होगा। और जनरली क्या होता है, इसका जो है रैंक ज्यादा हो जाता है इससे, लेकिन बराबर नहीं हो बस उतने से ही काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो बस इतना ही रहने देते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में आपको और भी बताएंगे, ठीक है। तो और भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वहां से जो है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जब कोई हल नहीं होगा तो आप हल निकाल भी नहीं सकते, और जब अनंत हल होगा तो निकाल सकते हैं, अगर आपको आएगा तो करिएगा, नहीं तो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने मन से किया करिए, ठीक है, सवाल आप अपने लगाते रहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आता है तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बताए ही है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है। अभी नहीं, आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है, जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो बहुत आगे तक काम आएगा, ठीक है, आप अप्लाई कर पाएंगे चीजों को, समझ रहे हैं, आगे जब हायर स्टडी में जाएंगे। इस पर भेजिए क्वेश्चन, हम उसको सॉल्यूशन करवाएंगे वीडियो में, ठीक है, जब लेक्चर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है। बहुत लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ व्यूज ही नहीं आता है, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है, थैंक यू।